तो यहाँ पर इंडिया रेलवेज एक न्यू अपडेट आया है, क्योंकि यहाँ पर इंडिया में 3 मई तक लॉकडाउन बढ़ा दिया है, और इससे चलते इंडिया रेलवे भी 3 मई तक सभी एक्सप्रेस मेल एक्सप्रेस लोकल ट्रेन सब बंद रहेगा। 3 मई तक सभी ट्रेन यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका जो पैसा रिफंड आएगी कि नहीं आएगी, सारा अपडेट में सारा प्रोसेस इस वीडियो में बताऊंगा, इसलिए इस वीडियो को स्किप मत कीजिए। और इसी तरह का अपडेट लेने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके पास का बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। तो IRCTC से एक अपडेट भी आ गया है, तो मैं IRCTC जो ऐप रहता है उस ऐप को मैं खोल के दिखा दे रहा हूँ क्या अपडेट यहाँ पर आया है। तो मैं यहाँ पर जो IRCTC ऐप इसको ओपन करता हूँ और यहाँ पर दिख लीजिए अलर्ट करके लिखा है COVID-19 अलर्ट। तो यहाँ पर बोल रहा है 3 मई से आपका जो भी ट्रेन था सभी ट्रेन बंद रहेगा और आपका जो फुल रिफंड आपको ऑटोमेटिकली आपको बैंक अकाउंट में आपको मिल जाएगा। तो आप यहाँ पर आपका टिकट जो ई टिकट है वो आप कैंसिल मत कीजिए, आपका फुल अमाउंट आपको IRCTC आपको आपका बैंक अकाउंट में पूरा दे देगा। तो इसका प्रूफ मुझको मैसेज भी मिल गया, तो मैसेज बॉक्स में मैं दिखा दे रहा हूँ, मुझको यहाँ पर मैसेज भी मिल गया है। तो यहाँ पर देख लीजिए, मैं यहाँ पर मैसेज आ गया है कैंसिल का पूरा कंफर्म मैसेज यहाँ पर आ गया है, आपका पूरा यहाँ पर पैसा आपको दे दिया जाएगा। तो यहाँ पर हमको मैसेज भी आ गया है। तो आपको भी इसी तरह का मैसेज आएगा तो आप समझ लेना आपका भी टिकट यहाँ पर कैंसिल हो गया है और आपका पूरा जो टिकट का पैसा आपका अकाउंट में डाल दिया जाएगा। तो आपका मन में क्वेश्चन हो सकते हैं 3 मई के बाद ट्रेन चलेगी कि नहीं चलेगी, तो इसका जो अपडेट अभी तक नहीं आया है, अपडेट आएगा तो आपको यहाँ पर मैं बोल दूंगा, अपडेट आएगा तो मैं यहाँ पर वीडियो आपके लिए बना दूंगा 3 मई के बाद ट्रेन चलेगी कि नहीं चलेगी। इसीलिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको इसी तरह का अपडेट यहाँ पर मिलते रहेगा। एंड यहाँ पर आप पेटीएम कैश भी कमा सकते हैं। तो यहाँ पर मैं अर्निंग का ऐप एंड अर्निंग का टिक ले के आता हूँ, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास का बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। तो आपका कोई भी अपडेट आएगा तो मैं सबसे पहले इस चैनल में बता दूंगा। तो आज का वीडियो यहाँ पर एंड करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।